हर साल मेयर का चुनाव होता है, इस साल रिजर्व कैटेगरी से मेयर का चुनाव होना है। उसके लिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर के जो कैंडिडेट होंगे वो महेश खिची होंगे, महेश खिची, KHICHI, महेश खिची करोल बाग विधानसभा में देवनगर वार्ड 84 से हमारे काउंसलर हैं। ये करोल बाग विधानसभा के अंदर देवनगर वार्ड में काफी लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे, ग्रासरूट स्तर से पार्टी पर इन्होंने काम शुरू किया था। सबसे पहले हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष बने थे, बूथ प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद वार्ड प्रेसिडेंट बने, वार्ड प्रेसिडेंट के बाद RWA के विधानसभा के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने दिल्ली के साथ साथ पार्टी के लिए देश के अलग अलग राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए अलग अलग चुनावी कैंपेन में इन्होंने हिस्सेदारी की, और उसको देखते हुए पार्टी ने इनको देवनगर वार्ड से कैंडिडेट बनाया था और वहां से ये जीते। और पिछले एक साल से इन्होंने जिस तरह से ग्राउंडेड होकर के काम किया है उसको देखते हुए, जमीनी स्तर से जुड़े होने के कारण, जनता के साथ सीधे संवाद होने के कारण, और IAC के समय से ये पार्टी और आंदोलन के लिए काम करते रहे, उसको देखते हुए पार्टी ने इन्हें इस टर्म के लिए मेयर कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया है। डिप्टी मेयर के लिए रविंदर भारद्वाज को पार्टी अपना कैंडिडेट बना रही है। रविंदर भारद्वाज भी आंदोलन के समय से ही पार्टी से जुड़े हैं, ये सेकेंड टाइम काउंसलर हैं। अमन बिहार वार्ड किराड़ी विधानसभा के अंदर है, 41 अमन बिहार वार्ड, ये 41 अमन बिहार वार्ड किराड़ी विधानसभा से पिछली बार भी काउंसलर थे और इस बार भी वो काउंसलर चुने गए। 2017 से 2022 तक काउंसलर थे, पिछली बार भी पार्टी की तरफ से। पिछली बार नॉर्थ MCD में हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे 2019 से 2021 तक, वर्क कमेटी और अपॉइंटमेंट कमेटी में भी मेंबर रहे।